एक फैमिली आईडी से दो अलग अलग फैमिली आईडी बनाएं। जी हाँ दोस्तों, फैमिली आईडी अलग करें, नया लिंक शुरू, ऐसे होगी फैमिली आईडी अलग। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ भाइयों के हमारे पास सवाल आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भाई अलग अलग फैमिली आईडी कैसे बनाएं, हमारी एक ही फैमिली आईडी, हम उसे दो अलग बनाना चाहते हैं, कोई हल बताओ भाई। तो भाई बिल्कुल आसान तरीका आ गया है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो की सहायता देखकर आप अपनी फैमिली आईडी को एक से दो बना सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ दोस्तों। जब आप फैमिली आईडी वाले ऑप्शन पर आते हैं तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन आते हैं। अब ये दोस्तों कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसकी सहायता सिर्फ वही फैमिली आईडी अपनी अलग कर सकते हैं जिनका भी अभी विवाह हुआ, जिनका मैरिज सर्टिफिकेट बना हो दोस्तों। या तो दूल्हा दुल्हन की फैमिली में ऐड होना चाहता है, या दुल्हन दूल्हे की फैमिली में ऐड होना चाहते हो तभी, या फिर दोनों अपनी अलग फैमिली आईडी बनवाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन की सहायता से बनवा सकते हैं, या फिर एक सेपरेट फैमिली आईडी जो हरियाणा से अलग रहते हो उनके लिए, और ये हरियाणा में रहते हो दोस्तों उनके लिए। तो दोस्तों, ये फैमिली आईडी में चार नए ऑप्शन अब ऐड कर दिए गए हैं। अगर कोई अपनी फैमिली आईडी विवाह के बाद बनवाना चाहता, शादी के बाद अगर कोई फैमिली आईडी बनवाता है तो अपनी अलग फैमिली आईडी बनवा सकता है दोस्तों, या फिर अपनी फैमिली आईडी में ट्रांसफ़र करवा सकता है, या तो दूल्हे को या दुल्हन को दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ।